नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आज का राशिफल। आज हम बात करेंगे 19 नवंबर मंगलवार के राशिफल के बारे में। इस वीडियो में हम विशेष रूप से उन सवालों का जवाब देंगे जो अक्सर आप हमें भेजते हैं। आज हम जानेंगे प्रेम जीवन के बारे में कि क्या आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक रहेगा या कोई नया प्यार आपकी राह देख रहा है। करियर और नौकरी के लिहाज से क्या आपको किसी प्रमोशन या नौकरी में बदलाव की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आप अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल करेंगे और कौन से विषय पर ध्यान देना चाहिए। धन और निवेश के मामले में क्या आपको अपने पैसे के मामलों में सतर्क रहना चाहिए और कौन से निवेश फायदे का सौदा हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से क्या आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहना चाहिए और किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का राशिफल और जानते हैं कि आपके सवालों के जवाब क्या कहते हैं। आज के इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। अब जानते हैं 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2081 हिंदू पंचांग के अनुसार मास मार्गशीर्ष है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और हेमंत ऋतु है। आज चतुर्थी तिथि शाम 5:28 तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 2:56 तक रहेगा, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग साध्य योग दोपहर 2:56 तक रहेगा, इसके बाद शुभ योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा, आज चंद्रोदय रात 8:28 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। आज राहुकाल दोपहर 2:45 से शुरू होकर शाम 4:06 तक रहेगा। अब जानते हैं 19 नवंबर 2024 का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि, तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपको चिंतित और चिंतनशील बना सकता है। इसके पीछे की संभावित कारण है रिश्तों में तनाव। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी ने कड़ी मेहनत, कोमलता और रचनात्मकता के साथ चीजों को साफ करने का सुझाव दिया है। दोनों पक्षों के प्रयासों को बर्बाद ना होने दें, मैच्योर इंसान की तरह चीजों को संभालें, सामंजस्य तरीके से आप काम करें। आज का दिन रोमांस से भरा रहेगा, अपने पार्टनर के साथ मधुर वाद संवाद करें, वो भी वैसी ही प्रतिक्रिया जाहिर करेगा। करियर की बात करते हैं, हालांकि आने वाला समय चुनौतियों से भरा है, लेकिन अब आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे, बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आप आसानी से अपने काम पर ध्यान लगा सकेंगे। आज खुद को शांत रखने की कोशिश करें। व्यापार फैलाने के लिए आज का दिन अच्छा है, नए संपर्क बना सकते हैं। हेल्थ के मामले में आज आपको कोल्ड जैसी फैलने वाली बीमारी से बचकर रहना चाहिए, अपने हाथों को अच्छे से धोएं और संक्रमण से बचें। इष्टतम परिणामों के लिए शाम 4 से 5 के बीच अपने इंपॉर्टेंट कार्य शेड्यूल करें। अपने जीवन में समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए लाल रंग पहने। आज के लिए लकी नंबर रहेगा नंबर 7। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्र गोचर की वजह से आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे व नए कार्य के बारे में सोच पाएंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि आप जो भी करते हैं या जो भी बोलते हैं वो ध्यान पूर्वक करें, इससे आप किसी भी शर्मनाक परिस्थिति से बच पाएंगे। आपको किसी और की कही हुई बातों या छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही उस आधार पर कोई निर्णय लेना चाहिए। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार ना लेकर आए। जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो शांत मन से ही सोचें। अपने इस निर्णय पर तभी अमल करें जब आप पूरी तरीके से इस बारे में निश्चित हों। लव लाइफ के मामले में अपने पार्टनर से मन की बात कह सकेंगे। खुलापन और ईमानदारी रिश्ते की जान होती है, पर वैसे शब्द हमेशा नहीं आते। आज आप अपनी शानदार स्थिति से संतुष्ट होंगे और आप दोनों का रिश्ता गहरा होगा। करियर के मामले में फिलहाल आपको काम करने में कुछ परेशानी आ रही है तो डरे नहीं, ये परेशानियां समय के साथ खुद ही खत्म हो जाएंगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, थोड़ा धीरज रखें। आर्थिक स्थिति के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन आपको नए मौके मिलेंगे, इन मौकों का भरपूर फायदा उठाएं। हेल्थ के मामले में आज आपके लिए अच्छा दिन नहीं है, आपको बुखार या दर्द जैसी परेशानी हो सकती है, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। शुभ रंग लाल रहेगा, 5 से 7 का समय महत्वपूर्ण रहेगा, लकी नंबर रहेगा नंबर 7। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो प्रिय मिथुन राशि के जातक,
चंद्रमा आज मिथुन राशि में है। आपको पता चल सकता है कि प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संबंध अभी काफी मजबूत हैं। यदि आपको आज उनकी एक्सपर्टीज के क्षेत्र से संबंधित किसी विशेष सहायता की आवश्यकता है तो इनमें से एक व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। कृपया आज इस व्यक्ति से मिलने में संकोच ना करें, लेकिन सावधान रहें कि आप क्या मांगते हैं, क्योंकि बाद में आपको उन्हें वापस भुगतान करना होगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार आप परिवार, दोस्तों, बिजनेस पार्टनरशिप और कस्टमर्स के लगातार आने के कारण व्यस्त दिखाई देते हैं। इनका फैमिली रिलेशन अच्छा रहेगा आपके साथ। आपके लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपका पार्टनर आपके लिए सहूलियत लाएगा। आप दुनिया भर के तनाव को किनारे कर अपने सच्चे पार्टनर के साथ समय बिता पाएंगे। आपको पता है कि रिश्ते खुद आगे ले जाने पड़ते हैं। आज उसे आप महसूस कराएं कि इस दुनिया में उसके लिए आपसे बढ़कर कोई खास नहीं हो सकता। कार्य क्षेत्र में पंख फैलाने का समय आ गया है। अपनी नजर अपने टारगेट पर रखिए। आपका मन इस समय काम में लगेगा नहीं, लेकिन आज के दिन अपना ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करें। आज वो समय है कि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ नीति निर्धारित करें और ये सोचें कि कैसे अपनी सेवा या अपना सामान ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके। हेल्थ की बात की जाए तो सेहत के प्रति सावधान रहें, क्योंकि आपको बुखार जैसी परेशानी आज हो सकती है। तनाव दूर रखने की कोशिश करें। सुबह 11 से दोपहर 12:30 का समय रहेगा। लकी सफेद रंग रहेगा। लकी कलर, लकी नंबर होगा नंबर 8। धन्यवाद। कर्क राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर आपको आशावादी बना देगा, क्योंकि आप किसी अच्छी खबर की आने की उम्मीद कर रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में पिछले कुछ दिनों से सुधार होगा। आज आप पा सकते हैं कि जिस काम में आपने मेहनत की है उसे आप सही तरीके से कर पाएंगे और उससे आपको लाभ भी होगा। आज के दिन आप अपनी लव लाइफ में कुछ चेंजेस देख सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, आज उनका विवाह निश्चित हो सकता है। आज दो लोगों के बीच में मनमुटाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि कहां सुनी में ना पड़े, लड़ाई झगड़े में ना पड़े। अपने पार्टनर की बात को इंपॉर्टेंस दें और ध्यान से सुने। करियर के मामले में आज आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो सकेंगे। सिर्फ आपको उन पर एक बार नजर डालनी होगी। आप में से जो लोग अपना डिपार्टमेंट बदलने की सोच रहे हैं वो आज ऐसा कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में आज अपनी आय को बढ़ाने के लिए सारे विकल्पों की तलाश करें। ये सोचें कि आप अपनी योग्यता व समय का पैसा कमाने में कितना बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। हेल्थ की बात की जाए तो आज के दिन अपने मोटापे को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। अपने डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। 5 से 6 का समय रहेगा। लकी नीला रंग, लकी कलर रहेगा, लकी नंबर रहेगा नंबर 7। धन्यवाद। बात करते हैं सिंह राशि की, तो प्रिय सिंह राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। अपनों के साथ आपको कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। अपने ऑफिस में कलीग्स, सहकर्मियों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले शांत रहें, शांत दिमाग से सोचें। परिवार के साथ अपना व्यवहार अच्छा बना के रखें। लव लाइफ में दिल की गहराइयों से अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, जिससे आप दोनों और नजदीक आ सकेंगे। आपको चाहिए कि आप अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। आज आप अपने कार्य क्षेत्र में हुई प्रगति पर नजर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने क्या पाया है। इस सफलता को प्राप्त करने में जिन लोगों ने आपकी मदद की, आपको उनको धन्यवाद कहना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर काम में थोड़ी गंभीरता लानी पड़ेगी। ये भी देखिए कि इस राह में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन्हें तुरंत दूर करने के उपाय भी कीजिए, ताकि आपकी कमाई में और वृद्धि हो सके। आप अपनी कड़ी मेहनत से आर्थिक सफलता पा सकते हैं और आपके बढ़िया फैसले आपको सही दिशा में आगे ले जाएंगे। हेल्थ के मामले में आज आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी होने के संकेत हैं। हो सकता है आपको कोल्ड हो जाए। आज आपको पूरे दिन जुकाम, सूखा गला और बुखार जैसा महसूस हो सकता है। हरा रंग रहेगा लकी कलर। दोपहर 2 से 3 का समय रहेगा लकी, लकी नंबर रहेगा नंबर 4। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की, तो प्रिय कन्या राशि के जातक, आज आप खुश और प्रफुल्लित महसूस करने की संभावना रखते हैं, क्योंकि आप अच्छी चीजों की आने की उम्मीद कर सकते हैं। चंद्रमा के मिथुन राशि में गोचर करने के साथ कन्या राशि आपको कुछ भी रोक नहीं सकता।
अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और इसी के साथ बाहर जाएं, क्योंकि आज का दिन आपके लिए तैयार किया गया है, इसका आनंद लें। वास्तव में आप इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए ही आया है। इसी के साथ आपके सहकर्मियों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। चीजों के शेष होने पर इस भावना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों से छुटकारा पाएं। लव लाइफ में आपका दिन प्यार से भरा रहेगा, ऐसा आप आज महसूस करेंगे। हवाई कल्पना में ना उड़कर यथार्थ से जुड़े रहें। वैसे अपने को इस पार्टनर के सामने खुलकर पेश करें। करियर के मामले में आज अपनी बॉल हवा में रखने की कोशिश करें। इस समय आपको अतिरिक्त काम करना चाहिए और अपने इस समय का लाभ उठाना चाहिए। जहां तक आर्थिक पक्ष का सवाल है, आज का दिन आपका है। आज कुछ बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। आप जैसे कई लोगों को दक्षता बढ़ाने वाला कोर्स बहुत मददगार साबित होगा। आज आप गंभीरता से सोचिए कि लंबे समय तक होने वाले आर्थिक फायदे के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई या ट्रेनिंग पर किया गया खर्च आपको भविष्य में फायदा देगा। हेल्थ के मामले में आज आपको धूल भरे वातावरण से बच के रहना चाहिए। सर्दी जुकाम से आज के दिन अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हो सके तो मास्क लगाकर कहीं बाहर जाएं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी सुझाव देते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए गहरे लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शाम 4 से 5 का समय रहेगा। लकी नंबर रहेगा नंबर 6। धन्यवाद। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। तो प्रिय तुला राशि के जातक, अपनी बुद्धि और बढ़ी हुई सहजता से कठिन परिस्थिति से निपटना आज आपके लिए आसान होगा। जीवन एक यात्रा है जिसमें बहुत सारी बाधाएं और सफलताएं हैं। आज के दिन आप अपनी नैतिकता नहीं भूलें। आप खुद को सही और गलत के बीच फंसा हुआ आज पा सकते हैं। ऐसे में आपका अंतर्ज्ञान ही आपकी मदद करता है। लव लाइफ में अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराने पर आपसी रिश्ते को और मजबूत बनाया जा सकता है। कटु शब्दों से अपने रिश्तों में खटास ना आने दें। करियर की बात की जाए तो आपकी नौकरी ठीक से चल रही है, फिर भी आप पाएंगे कि आपके लिए काम के कई ऐसे दरवाजे खुले हुए हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो योजनाएं आपको हाथ में दी गई हैं, उनके अलावा और बहुत सा काम आपके हाथ में रहेगा। कार्य क्षेत्र में मिलने वाले शुभ समाचार को सुनने के लिए अपने आंख और कान खुले रखें। आज के दिन जरूरत है कि आप अपने व्यवसाय के नए विकल्पों के बारे में सोचें सकारात्मक ढंग से। इसका आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। हेल्थ के मामले में आज छोटी मोटी चीजों से घबराएं नहीं, तनाव से दूर रहने की कोशिश करें और ये देखें कि अगर आपने कोई रत्न धारण किया है तो क्या वो रत्न आपके लिए ठीक है। किसी अच्छे ज्योतिष से आप सलाह ले सकते हैं। एस्ट्रो योगी पर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट एनालिसिस करा के देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रत्न सही है। सुबह 9:30 से 11:30 का समय लकी रहेगा। लकी नंबर रहेगा नंबर 4। धन्यवाद। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, आज आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। आज आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं क्योंकि यह आपके अपनों के लिए बहुत अच्छा दिन है। अपने रिश्ते को बनाए रखने से आपको शांति और सद्भावना बनाए रखने में मदद मिलेगी, खासकर घरेलू मोर्चे पर। कुछ अनोखा करने की कोशिश करें और देखें कि यह आपको कैसे रिफ्रेश कर देगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि आज आप कुछ भी महत्वपूर्ण ना करें और केवल कायाकल्प और मौज मस्ती पर ध्यान दें। रोमांटिक मिलन आज आपकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आएगा। आप खुश मिजाज रहेंगे। खाली समय अपने साथी के साथ भरपूर मनोरंजन करके बिताएं। करियर के मामले में पढ़ाई हो या ऑफिस, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। हर दिशा से आपको खुशखबरी ही मिलेगी। आर्थिक स्थिति के मामले में जरूरत है कि आप व्यवसाय के नए विकल्प पर तुरंत और सकारात्मक विचार रखें। इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आप इस विकल्प को अपनी मेहनत से हकीकत में बदल दीजिए। व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र यही है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ आपकी आर्थिक स्थिति लगातार ठीक होती जाएगी। कभी किसी छोटे मोटे बदलाव से चिंतित ना हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत से ऐसे आर्थिक संकटों से तुरंत पार पा लेंगे। हेल्थ की बात की जाए तो अच्छी सेहत के लिए आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ध्यान रहे आप किसी भी लड़ाई में ना फंसे, उससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। सुबह 9 से 10 का समय रहेगा लकी। लकी कलर गुलाबी रहेगा। लकी नंबर 3 रहेगा। धन्यवाद। अब बारी आती है धनु राशि की। अपनी वास्तविक क्षमता को आप अनलॉक करने के लिए इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के लिए अपने दृढ़ संकल्प या साहस पर निर्भर ना रहें, क्योंकि आपका भाग्य आपको इसके माध्यम से ले जाएगा।
आज सब कुछ आपके अनुकूल हो सकता है, लेकिन आपको पता चलेगा कि उनमें से कोई भी आपके प्रयासों का परिणाम नहीं है। लव लाइफ में आज आप अपने जीवन साथी के साथ अथवा होने वाले साथी के साथ छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपका तनाव कम होगा और आपको अच्छा लगेगा। बात करते हैं करियर की। आज आपको काम करने व पढ़ने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आज आपका ध्यान भटक सकता है। व्यापारिक प्रोफेशनल्स आसानी से अपने लक्ष्य को पा लेंगे। ये मौका है कि आप अपनी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई जरूरी कोर्स कर लें। इसके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक आप ले जा सकते हैं। हेल्थ के मामले में आज आपको अपने मोटापे को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। अपने डाइट पर ध्यान दीजिए। तेलीय चीजें अपने डाइट से निकाल दीजिए। अगर आप कोई बहुमूल्य पत्थर पहनने की सोच रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, आज किसी ज्योतिष से सलाह जरूर ले लें। आज के दिन आपका लकी कलर रहेगा नीला, लकी नंबर रहेगा नंबर 4, लकी समय आपके लिए रहेगा शाम 7 से 8 बजे तक का। धन्यवाद। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, आपका तेज दिमाग आपको उन सभी चुनौतीपूर्ण समस्याओं से आज बाहर निकालेगा, समाधान देगा जो मानसिक तनाव आपके लिए पैदा करती हैं। तर्क और बौद्धिक क्षमता से आप कठिन कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। अपने लव लाइफ में साथी के प्यार के कारण आज का दिन उज्जवल रहेगा। ये खुशियां आपसी रिश्तों को मजबूत बनाएंगी व भविष्य भी उज्जवल होगा। करियर के मामले में आज आप पाएंगे कि पिछले कुछ समय से जो बात आपको परेशान कर रही थी, आज वो परेशानी कम हो रही है। आप पर काम का बहुत बोझ रहेगा, लेकिन काम से संबंधित तनाव कम हो जाएगा। अगर आपने अपने तनाव को कम किया तो आज के दिन आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। काम का दबाव आप पर हावी ना हो, इसके लिए आपको अपनी अतिरिक्त ऊर्जा इस्तेमाल करनी होगी। आप खुद को आज तनाव मुक्त रख पाएंगे। आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा ये। आज के दिन 2:30 से 4 का समय रहेगा लकी, लकी कलर ग्रीन रहेगा, लकी नंबर रहेगा नंबर 7। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको सुकून और शांति का अनुभव कराएगा। किसी को भी या कुछ भी करके किसी भी व्यक्ति को अपना मूड खराब ना करने दें। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें अपने सुखी स्थान पर अभी हमला ना करने दें। ऐसे किसी भी मामले में शामिल ना हो जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। लव लाइफ में आज अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें। यदि आपको संदेह है कि आपका पार्टनर आपसे ईमानदार नहीं है, तो इस बात पर आप अपने आसपास के लोगों से जो आपके क्लोज हैं उनसे चर्चा करें। करियर के मामले में आज के दिन आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों में भी आज आप अच्छा प्रदर्शन देंगे। एक अच्छे लीडर की तरह आज आप दिखाई देंगे। आपको लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। आर्थिक क्षेत्र में आपकी स्थिति थोड़ी डावाडोल रहेगी, लेकिन आप इस स्थिति से आसानी से निपट लेंगे। अपने सीनियर अधिकारियों से मधुर संबंध बनाकर रखें। आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, फिर भी कई बार लोगों को आपकी बातें चुभ जाती हैं। इससे आपका ही आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए आज अपने काम पर ध्यान दें, शांत रहें। हेल्थ के मामले में तनाव भरे दिनों के बाद आज आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप हल्का व्यायाम करें और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें। 2 से 4 का समय आपके लिए लकी रहेगा, लकी कलर वॉयलेट रहेगा, लकी नंबर 4 रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के स्थान परिवर्तन करने के कारण एस्ट्रो योगी ज्योतिषी अनुमान लगाकर आपको कहते हैं कि घरेलू मोर्चों पर आपके सामने जो भी मुद्दा प्रकट होगा वो आज से सुलझना शुरू हो जाएगा। आज आपके परिजनों के साथ आपका संबंध सुधरेगा, इसलिए अपने समय का जितना हो सके लाभ उठाइए। कार्य क्षेत्र में बिना विचलित हुए आज आप अपने लक्ष्यों का दृढ़ता से पीछा करने में जुट जाएंगे। प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण आपको एक समूह से आगे ले जाने में मदद करेगा। लव लाइफ में आज आप ये जानकर रोमांचित हो सकते हैं कि जिसकी आप वास्तव में परवाह करते हैं वो भी आपके बारे में वैसा ही महसूस करता है। ये धीरे धीरे ही सही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हड़बड़ी में कोई निर्णय ना लें, ये होगा आपके लिए किस्मत कनेक्शन। कार्य क्षेत्र में आपको ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जबकि आपको अपनी समझदारी, रचनात्मकता व क्रियात्मकता का परिचय देना होगा। आज एक ऐसा दिन है जबकि आपको वो काम करना पड़ सकता है जो आप करना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है।
करियर में आर्थिक लाभ के नए मौके सामने आएंगे। ऐसा भी वक्त आएगा जब आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। अपनी क्षमता और योग्यता दर्शाने के लिए ऐसे किसी भी मौके का भरपूर फायदा उठाइए। आप अपनी योग्यता को कम करके मत आंकिए। हेल्थ के मामले में आज आप राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि आज आपकी सेहत और मूड दोनों ही बढ़िया रहने वाला है। आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे, मगर लापरवाही ना करें, सेहत का ध्यान रखें। शाम 7 से 9 का समय लकी रहेगा। आपके लिए लकी कलर आज वॉयलेट रहेगा, लकी नंबर 5 रहेगा। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र के गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन बिल्कुल मुफ्त ले सकते हैं, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। तो आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।